शाहिद खान आफरीदी ने शहनशाह आफरीदी को बहुत कोसा है कि तेरी वर्ल्ड कप के अंदर ज़ीरो प्रोग्रेस रही है और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की जो टीम है टूर कर रही है और 3 टेस्ट खेले जाएंगे और 3 ही ODI खेले जाएंगे और पिटकमन जो है वर्ल्ड कप का फाइनल जब होगा भी सेमीफाइनल होगा उसके बाद मैदान में उतरेंगे। और शान मसूद ने कमबैक किया है टेस्ट के अंदर और मोहम्मद अब्बास वो टेस्ट में कमबैक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इब्रार अहमद को कोई मौका नहीं मिला एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। बाबर आजम ने उनको कोई मौका नहीं दिया। अभी बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी के दरमियान ये कप्तानी का कंपटीशन भी है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये 4 दिसंबर को पहला टेस्ट खेला जाएगा वार्म अप मैच दोनों टीमों का। जो पहला टेस्ट होगा वो ओल में खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट जो खेला जाएगा वो 14 दिसंबर को खेला जाएगा और वो उसके बाद पर्थ में खेला जाएगा और तीसरा जो है वो सिडनी ग्राउंड के अंदर खेला जाएगा। और मोहम्मद अब्बास को काउंटी खेलने का बहुत शौक है और वो खेलते हैं इंग्लैंड में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो और मोहम्मद अब्बास की वहाँ पे कारकर्दगी बहुत 100% रही है। और पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक दोबारा टेस्ट में खेलेंगे क्योंकि एक मैच में वर्ल्ड कप के उन्होंने अच्छा सेंचुरी मारी थी और उसके बाद ये अब कम बैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो तमाम टीम है वो बरस्ता दुबई लाहौर पहुंच रही है। शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान कंपटीशन ज़ोर पकड़ गया है। बाबर आजम मेंटली और फिज़िकली थोड़ा आराम करना चाहते हैं और शहनशाह अफरीदी जो है ये टास्क निभाएंगे और यही तवक्कुआत की जा रही है क्योंकि PSL के अंदर शहनशाह अफरीदी की जो टीम है 2 दफ़ा उन्होंने ये टाइटल जीता था और पाकिस्तान के होनहार खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बिल्कुल जो है 0 कैटेगरी वहाँ इनकी प्रोग्रेस रही और वापस आए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच खेलेंगे। और पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं चीफ सिलेक्टर निज़ामुल हक उन्होंने तो काफ़ी पहले रिज़ाइन दे दिया था और अब उनकी जगह शहनशाह अफरीदी ने वो सीट संभाल ली है। और पाकिस्तान के जो स्पिनर बॉलर हैं बाबर आजम की जो क्लास है वो टेस्ट के अंदर वो बिल्कुल सभी इससे महजूज होते हैं। स्मिथ भी तारीफ़ कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है एक अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उनका बुरा दिन अभी चल रहा है और जब वो बुरा दिन से निकलेंगे तो यकीनन कमबैक करेंगे। बाबर आजम शहनशाह जो है अभी बदस्तूर रैंकिंग में थोड़ी तनजली हुई है लेकिन वो इतने और डाउन नहीं हुआ है। पिटकमन जो है वो वापसी पे जो है पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। सबसे पहला जो है वो ओल का ग्राउंड होगा और बाबर आजम और उसके तमाम जो प्लेयर हैं वो कोलकाता से दुबई पहुंच चुके हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को पुश करें। और पिटकमन जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है लीड कर रही है वर्ल्ड कप के अंदर लेकिन हिंदुस्तान की टीम भी बहुत टफ टाइम दे रही है। वो 350 से कम स्कोर नहीं बना रहे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के